हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं नकुल और आज है हमारे पास एक स्विफ्ट डिज़ायर और इसकी जो छत है वो पिचकी हुई है, एज यू कैन सी बिहाइंड मी। तो इसके ऊपर जो है पेड़ गिर गया था इसलिए छत पिचक गई। तो मैं आपको एक बार गाड़ी की हालत दिखाता हूं। सो हियर इट इज़ गाइस, ये है स्विफ्ट डिज़ायर। तो पुराने वाला मॉडल है एज यू कैन सी, एंड छत की हालत आप देख ही सकते हैं। तो इसके ऊपर पेड़ गिर गया था तो ऑलमोस्ट पीछे का आधा हिस्सा जो है वो पिचका हुआ है और पीछे का जो शीशा है वो भी टूट गया है। प्लस अगर इधर से देखोगे तो यहाँ से क्वार्टर पैनल भी पिचका हुआ है, प्लस यहाँ से थोड़ा सा जो पिलर होता है मेन वो भी बेंड हो गया है। तो आज इसे रिपेयर करना है हमें। तो भरत भैया ने अंदर से सारी फिटिंग वगैरह लूज कर दी है, खोल दिया है, बस इसका जो छत है उसे बाहर निकालना है, प्लस ये पैनल बाहर निकालना है। तो वीडियो शुरू करते हैं, होपफुली यू विल इन्जॉय इट, एंड ऑब्वियसली एंड में मैं बताऊँगा कि गाड़ी में टोटल कितना खर्चा आया और कैसे कैसे रिपेयर हुई, वो तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, एज यू कैन सी छत वापस अपनी शेप में आ गई है। तो शुरू में आपने देखा था ये गाड़ी कैसी हालत में आई थी, एंड नाउ यू कैन सी। बाकी ये जो डेंटिंग के निशान हैं छोटे छोटे, ये सारे पेंट में कवर हो जाएंगे, बिकॉज इस पर बॉडी फिलर लगेगा, फिर सैंडिंग होगी, फिर पुट्टी लगेगी, तो ये सब पेंट में कवर हो जाएगा। बाकी अब इसका शीशा रह गया, पीछे का शीशा मंगाएंगे, शीशा लगेगा, ऊपर छत पेंट हो जाएगी, एंड द कार विल बी रेडी। सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। कल डिज़ायर की सारी डेंटिंग हो गई थी छत की, तो अब राजू भी इस पर सैंडिंग करेंगे और इस पर बॉडी फिलर भरेंगे, तो उसका टाइम लैप शुरू करते हैं। गाइस, डिज़ायर रेडी है पेंट के लिए। तो अभी आपने इस पर प्राइमर लगते हुए देखा था, तो प्राइमर लगा, उसके बाद सैंडिंग हुई, फिर उसके बाद चेक पुट्टी लगी जो ये वाले कलर की होती है, तो ये लगी, उसके बाद दोबारा सैंडिंग हुई। अब पूरा सरफेस बिल्कुल प्लेन है, एकदम स्मूथ। अब फाइनली इस पर पेंट डाला जाएगा। तो राजू भैया इसके मास्किंग कर रहे हैं, तो वो पार्ट स्किप करते हैं, मास्किंग के बाद सीधा पेंट का टाइम लैप्स शुरू करते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल जैसे आपने देखा इसमें पेंट हो गया था छत पे, तो हमने फिर इसको पूरी शाम सूखने के लिए छोड़ दिया था। अब फाइनली भरत भैया इसकी अंदर की फिटिंग शुरू कर रहे हैं। तो
तो अंदर की फिटिंग एक बार हो जाएगी, उसके बाद हम ये पीछे का ग्लास लगा देंगे एंड देन छत की रबिंग होगी, उसके बाद वॉशिंग करके कार विल बी रेडी। तो प्लान ये है कि आज शाम तक होपफुली कार रेडी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द टाइम लैप्स, सारी फिटिंग और ग्लास लगने का। सो हियर इट इज़ गाइज, फाइनली द कार इज़ ऑलमोस्ट रेडी। शीशा एज यू कैन सी लग चुका है, गाड़ी की रबिंग भी हो चुकी है, सारी गाड़ी की रबिंग करवा दी है, सिर्फ छत की नहीं। तो एज यू कैन सी गाड़ी किस हालत में आई थी, और छत एकदम बढ़िया हो चुकी है। तो गाड़ी की ड्राई क्लीनिंग चल रही है, विनोद भैया ड्राई क्लीन कर रहे हैं, प्लस गाड़ी की फाइनल वॉशिंग भी रह रही है। बट मैं अभी घर निकल रहा हूँ, तो मैं सोचा वीडियो को यहाँ एंड कर दूँ। तो इसमें एज यू कैन सी हल्की हल्की अभी भी रबिंग क्रीम लगी हुई है, ये वाइट। तो ये फाइनल वॉशिंग अभी रह रही है गाड़ी की, तो उसके लिए जज मत करना। बट हाँ, वैसे आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से रेडी है, शीशा लग गया है, छत एकदम सही हो गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल खर्चा कितना आया। सो गाइस, आई जस्ट सॉ गाड़ी हो चुकी है पूरी तरह से रेडी एक्सेप्ट वॉशिंग। तो वॉशिंग पे भी गाड़ी लग चुकी है एज यू कैन सी बिहाइंड मी। तो मैं बताता हूँ इसमें टोटल खर्चा कितना आया। इसमें अराउंड 10,000 का खर्चा आया गाइस, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। जो हमने छत डेंट पेंट करी वो हुई है 5,000 की, जो इसका पीछे का शीशा लगा है वो है अराउंड 3,000 का, ओरिजिनल असाई का ग्लास है। और इसमें जो सीलेंट लगी है शीशे को चिपकाने के लिए वो है अराउंड 1,000 रुपये की, प्लस 1,200-1,300 रुपये इसमें हमारी लेबर है शीशे को लगाने की और बाकी कामों की। तो इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो कस्टमर हैं वो पहले मारुति की डीलरशिप गए थे इसको ठीक करवाने, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि हम सीधा इसकी छत काट के अलग करेंगे और इसमें नया पैनल लगाएंगे, और काफ़ी मोटा तगड़ा खर्चा बता दिया था। फिर जो कस्टमर है वो हमारे पास आए और रिज़ल्ट आपने देख ही लिया है, 10,000 रुपये में पूरी गाड़ी रेडी हो गई है। प्लस इसमें हमने ड्राई क्लीनिंग भी कर दी उनकी कॉम्प्लीमेंट्री, और पूरी गाड़ी की रबिंग भी करवा दी। वैसे रबिंग सिर्फ उसी पैनल की होती है जो पैनल पेंट होता है, लेकिन हमने पूरी गाड़ी की रबिंग भी करवा दी। सो दैट्स वेरी मच फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज सपोर्ट द चैनल बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल अगर आप चैनल पे नए हैं। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, टेक केयर, बाय बाय।